वहीं निर्देशक श्याम बेनेगल की मास्टरपीस मानी जाने वाली फिल्म मंथन कांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के कारण चर्चा में बनी हुई है। कांस क्लासिक सेक्शन में हुई स्क्रीनिंग में नसीबुद्दीन शाह अपनी पत्नी रत्ना पाठक शाह और स्मिता पाठक के बेटे प्रतीक बब्बर के साथ शामिल हुए। मंथन को 5 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। इस स्क्रीनिंग में फिल्म हिरोटेस फाउंडेशन की अहम भूमिका रही, जिन्होंने इस क्लासिक को तकनीकी रूप से उन्नत करके 4K वर्जन में डाला है। और अब क्लासिक फिल्मों के शौकीनों के लिए अच्छी खबर ये है कि मंथन को सिनेमा घरों में भी दोबारा रिलीज किया जा रहा है।